आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या यह पता करने में होगी कि कौन कोरोना से संक्रमित है और कौन कोरोना से संक्रमित नहीं है, क्योंकि कोरोना से संक्रमित होने पर कोरोना का लक्षण दिखने में 2 से 10 दिन का समय लगता है। फिर बाद में जांच द्वारा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर यह पता करना और भी मुश्किल हो जाता है कि उसने और कितनों को संक्रमित किया है। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए बनाया गया है आरोग्य सेतु ऐप। तो चलिए जानते हैं आरोग्य सेतु ऐप काम कैसे करता है। आप जब इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो यह ऐप आपसे आपके बारे में कुछ जानकारी लेकर आपकी एक यूनिक आईडी भारत सरकार के डाटाबेस सर्वर पर बना देती है और आपके मोबाइल का ब्लूटूथ तथा जीपीएस ऑन कर देती है। इसके बाद आप कहीं भी उस मोबाइल को लेकर जाते हैं तो ब्लूटूथ के जरिए ये ऐप 1 मीटर या 6 फीट के अंदर आने वाली उन सभी मोबाइल्स की आईडी आपकी आईडी के साथ जोड़ती जाती है जिसमें यह ऐप इंस्टॉल रहता है। मान लीजिए उन व्यक्तियों में से जिससे आप 5 दिन या 10 दिन पहले मिले थे किसी एक को भी बाद में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो जांच करने वाली संस्था के द्वारा यह इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति के आरोग्य सेतु ऐप में डाल दी जाती है, जिसके बाद आपको यह इन्फॉर्मेशन आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा मिलता है कि आप 5 दिन या 10 दिन पहले किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से मिले थे और आपको ऐप के द्वारा सेल्फ आइसोलेशन के लिए कहा जाता है। यदि कुछ दिन बाद आप में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर कॉल करने की सलाह दी जाती है।